हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे मस्त सुबह हो गई और यहाँ पे ड्रेस हो गया तो मस्त सामने ही दिख रहा है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा देखिए, और यहाँ पे पौधे भी बहुत हरे भरे हो गए हैं और पानी आया है तो सर हो गया पानी, पौधे को पानी मिल रहा है मस्त अच्छी तरह से। और यहाँ पे रूही मैडम ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता कर लिया रूही मैडम? क्या बात है, क्या खाया? क्या बात है। तो चले फिर, मुझे भी नाश्ता बाकी है और किंजल किचन में ऑलरेडी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बापा रे। बटकू कौन भर गई तेरे भर की बटकू जो बटकू भर गई तेने लाल लाल देखा है? ओ माय गॉड। तो चलिए, मुझे नाश्ता बाकी और किचन ऑलरेडी किचन में है तो डायरेक्ट हम किचन में चलेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। और वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता है, तुम जाएंगे तो पता चल जाएगा। ओहो, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। यहाँ पे तो नाश्ता हो रहा है, फिनिश हो गया काम भी, सब निपटा दिया है। क्या बात है, यस यस, ओके। चलो क्या खाया, दही भाखरी, दूध चाय भाखरी खाई? इतनी सी भाखरी खाई। डाइटिंग में हो क्या? बॉडी थोड़ा लगता है बढ़ गया। हाँ, ओके। तो मेरे लिए क्या भाखरी बनाई है? आज पहली बार भाखरी दही खाने, वरना तो मैं घर पे मैगी खाती हूँ। तो चलो आज मैं भाखरी खा लेती हूँ। भाखरी भी हो गई तुम्हारे पर। इसी बात है, यस, बहुत बड़ी बनाई है क्या? बड़ी है। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी बनाई है। मतलब बॉडी इसी हिसाब से करना पड़ता है ऐसा कोई नहीं होता है। बॉडी देखकर जज नहीं करना कि वो इतनी बॉडी तो इतना भाखरी खाएगी खाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबको अच्छा लगता है, जो भी यहाँ पे आते हैं ना, जो कोई भाखरी नहीं खाते वो भी एक पूरी भाखरी खा लेते हैं। यस, क्योंकि दूसरे के घर पे हम खाते हैं ना तो टेस्ट अच्छा लगता है, गाँव में तो और ज्यादा अच्छा लगता है। यस, तूने सारा काम निपटा दिया? सब काम। ओके, तो किचन में क्लीन कर दूंगी, रेडी। ओके, और कपड़े भी मैं सुखा लूंगी। ओके, कपड़े मशीन में वॉश हो रहे हैं ना? ओके, वॉश हो रहा है। ओके, बाद में मैं सुखा लूंगी। ओके, तो चलिए चलिए फिर, मैं अब नाश्ता कर ही लेती हूँ, मेरे लिए भाखरी भी ऑलरेडी बन गई। तो चलिए फिर, मैंने मस्त नाश्ता कर लिया है, दही और भाखरी, और किंजल जा रही है दोनों बच्चों नहाने के लिए। और यहाँ पे किंजल जा रही है कि यस, उसके बाद अभी जो देखो ना, धूप अच्छी आ रही है, यस अभी टहलेंगे। यस चलो, थोड़ा सुबह का काम लिपटा लेते। यस यस, तो मैंने बोला था ना किचन में साफ करने वाली हूँ, तो यहाँ पे ऐसे ही बिखरा हुआ है। तो चलो फटाफट से मैं किचन क्लीन कर देती हूँ और बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी होगा वो करते जाएंगे, आपको दिखाते जाऊंगी। किचन क्लीन कर दिया है और सारी बेजिंग थी ना, तीन बेजिंग है यहाँ पे, तो वो भी मैंने क्लीन कर दी है। तो डायरेक्ट बेडरूम क्लीन करना बाकी है और बच्चे को किंजल नहला रही है, उसके बाद उसको भी मैं रेडी कर दूंगी। तो चल जाके कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी रूही आ रही है नहला करके, तो उसको मैं रेडी कर लेती हूँ। और बाद में जो बेडरूम है ना, हमारा सब लोग सोए हुए थे तो वो क्लीन करना है, तो वो भी हम क्लीन करते जाएंगे आगे आगे। और यहाँ पे आरू मेरी मस्त रेडी हो गई है, मैंने मस्त रेडी कर दिया है। तो आज आरू ने ड्रेस पे रखा, आरू अच्छा लग रहा है ना, फुल से नहीं, फाइन फाइन पहरू छे आरू। आज तो आरू बहुत खुश हो रही है, मैंने उस ड्रेस पहरा है ना इस तरह से। तो यहाँ पे रूही मैडम भी है और यहाँ पे किंजल भी अपना जो बोल रही थी ना कबाड़ क्लीन करना है, तो वो शुरू कर दिया है उसने। तो यहाँ पे किंजल कपड़ा ला रहे हैं सब यहाँ पे बाथरूम है ना। हाँ, कपड़े तो रनिंग का जो पेंट है ना वो यहाँ पे रखते हैं। हाँ, तो अभी ठीक करना है। ओके, और यहाँ पे रूही भी रेडी हो गई है। रूही घूंच नहीं काटना है हेयर में, घूंच निकालो पहला वरना नहीं निकलेगी। चलो घूंच निकालो, नहीं काटी है। और यहाँ पे हमारे आरू मैडम हिचकने लगे हैं मस्त। आरू, आई आरू, ए डिंगू डिंगू, ए डिंगू, के गांडा काटो तेरे तेरे माँ। ड्रेस पे तो क्या लगेगा, हम देख मोटे ना थे कि वो लगे डिंगली मारी हर चकली। और यहाँ पे रूही मैडम अपने खुद का फोटो खींच रही है, ऐसा लग रहा है कि ये शूटिंग कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो। यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है बाप बेटिया की, मस्त मस्त जीजा फ्रेश हो गए हैं। तो चलिए उसके लिए मैं भाखरी बना लेती हूँ, क्योंकि किंजल थोड़ी काम में बिजी है ना, तो मैं फ्री हो गई, मेरा हो गई हूँ। तो चल मैं भाखरी बना देती हूँ जीजा के लिए और चाय गर्मा गर्म। तो मेरे जीजा बैठ गए, गर्मा गर्म मैंने भाखरी और चाय बना दिया है। तो भाखरी चाय और काचरी और आज लीला मर्चा कैसा लगता है? मर्चा अच्छा लगे, जब तक तीखा नहीं है तब तक अच्छा है, तीखा तो छोड़ देना। मनुष्य के जरा मनुष्य भी क्रोध करता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं। जब तो क्या चीज है, आवाज नहीं करता, छोड़ देते। यस, भाखरी अच्छी बनी ना, किंजल बनाती वैसी बनी है, तो
तो कोई बात नहीं। दोनों अलग अलग लोट यूज किए थे? नहीं तो भी ऐसे नहीं होती है, दूसरे के हाथ की अलग बनती है, ऐसे होती है। आटा तो एक ही था। काजरी मस्त बनी हो। और यहाँ पे कुछ ना कुछ रूही सीख रही है सवेरे से फोन में, और फोटो खींच रही है दोनों बहने के साथ में। नहीं रूही है? और किंजल बैठ गई है, कपड़े की घड़ी कर रही है, काम निकाला है। यस, बहुत सारा कपड़े यहाँ पे थप्पा लग गया है। और यहाँ पे आरु मैडम है ना, अकेला अकेला ही चक रही है। आरु क्या कर रही हो, डिस्को कर रही है? ओ हो, क्या बात है। थी यहाँ पे अकेली फासफासी का चलाती और बाद में यहाँ पे ऐसे लेट जाती हूँ मेरी चकली। और कार्टून देख रही है। ए देखो पड़ी जाए बेटा, पड़ी जैस पड़ी जैस, हिचको नाकू है हुई जाओ ना, तो तार हाला करवा से बस बब्बो जो तुमने हैरान करीस ने, बपोर तो हुआ नहीं पछी है। हाँ हाला कर वाला मारे आरू ने गाँव वाला के नो गाँव गाँव ने हाल। यहाँ पे रूही और मैं दोनों हिचकने के लिए बैठ गए हैं, और साथ में मेरी आरू भी है ना। आरू मुझे आज हिचक मानी। तो आज संडे है ना, तुम सबने बाल वॉश किए है, तो हमारे सबके बाल ऐसे ही पवन मस्त ले रहा रहे है, तो अच्छा लग रहा है नहीं रूही। साथ में बाल को भी हिचकना पड़ता है नहीं रूही। तो चले यहाँ पे हमारी आरू भी हाँ हाँ करती जा रही है, और आज आरू मस्त क्यूट लग रही है। आज आरू ने ड्रेस पहना है ना, तो बहुत क्यूट लग रही है। तो चलिए हम सब लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं नहीं रोही। हाँ। और साथ में सॉन्ग भी सुन रहे हैं। हाँ। और थोड़ा बहुत हमने स्लो कर दिया है क्योंकि हम शूटिंग कर रहे हैं इसलिए नहीं रोही। इसलिए हम सब लोग फ्री हो गए और कपड़े भी मशीन मशीन निकल गए है, जब भी मैंने ढगला कर दिया है तो सुखाना बाकी है, तो चलो फटाफट मैं सुखा लेती हूँ कपड़े को। मैं बैठ गई हूँ गुवार की सब्जी बनाने इसलिए कटिंग करने के लिए, तो चलो गुवार की सब्जी और दाल चावल रोटी सब्जी बनाना है, तो पहले गुवार की सब्जी कटिंग करेंगे। अरे वाह चक्की खा रही है मेरे आरू, अरे क्या बात है। थोड़ी बहुत रूही ने ले ली ना तो रड़ने लगी, और वापस दूसरी चॉकलेट मांगी है तो उसने दी है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे रूही मैडम चॉकलेट खा रहे है उसके भाग की। अच्छी लगी है? अच्छी लग रही है? ओके खा लो खा लो। तो चलो मैं पहले गुवार की सब्जी कटिंग कर लेती हूँ, बाद में किचन में जाएंगे। यहाँ पे मैं गुवार और यहाँ पे मैं गुवार कटिंग करके आ गई हूँ, और उसमें आलू डालना है किंजल। हाँ बच्चों के लिए डालना। ओके और ये कुकर में क्या रख दिया है? दाल चावल साथ में है ना? यस साथ में रखती हूँ मैं। ओके क्या बात है। और यहाँ मासी के लिए चाय बन रही है जो हमारे आते हैं काम करने के लिए। ओके ओके तो सब्जी में बना लेती हूँ ना। ओके तुम बना लो, मैं दाल चावल बनाऊंगी। ओके उलझा दिया। पता नहीं जिंगली चकली मेरी कहाँ पे घूम रही है, दिख नहीं रही, और कब से रो रही थी, अभी थोड़ी शांत हुई है, तो आई थिंक उसके दादा के पास ही होगी और पीछे कमरे में। अरे जीजा बैठ गई है, कुछ ना कुछ कर रहे, पता नहीं क्या कर रही है, फोन देख रहे है बच्चों की तरह। तो चलो मैं सब्जी कटिंग हो गई, उसमें आलू डालना है बच्चों के लिए, तो डाल देते हैं। तो यहाँ पे रूही मैडम डांस करने वाले, तो डांस कर दो। कैसा डांस करने वाली हो? मेरे बातों में ऐसे उलझा दिया, बैठे ही बैठे ही मैंने दिल जो दिया। क्या बात है। जन्मा गई मेरी लड़की। यहाँ पे ओकरा कर रही है, उलझा दिया, बैठे ही बैठे में हमने दिल खो दिया। अरे वाह क्या बात है। यहाँ पे मेरी चकली है ना जो ऐसे ही नखरा कर रही है, अब शांत हो गई है जो, और चिल्ला रही है रूही ऐसा कर रही है ना, तो रूही रहने दो वरना लग जाएंगी तो गिर जाएंगी दोनों साथ में, बस रहने दो रूही। और डांट रही है, डांट रही चुम चुम। अरे यार योगा कर बेटा, क्या नखरा कर रही है छोटी। मैंने आलू और गुवार की सब्जी कटिंग करके रेडी कर ली है, और यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है, तो तेल आ जाए तो सब्जी सब कर लेती हूँ। और किंजल पाछा रूम में है, थोड़ा बहुत कुछ काम है इसलिए, और बाद में रोटी काटा गुन लूंगी। तो मेरे आरोही मस्त राइस खा रही है चम्मच से बिना गिराए हुए। मेरी चक्की चोटली लीजिए तो कितनी अच्छी लग रही है, फुमकी फुमकी माथे में ली है तो। और यहाँ पे रूही भी खा रही है चावल,
और यहाँ पे किंजल मैडम हमारे आ गए थे, मैंने बोला सब काम में बिजी थी, यहाँ पे दाल उसने कर तेल भरने के लिए गई थी ओके, क्योंकि वहाँ पे एक माह से आए हैं तो थोड़ा काम था, मैंने सोचा अभी खाना बनाने का भी टाइम है तो यस तो ओके यहाँ पे दाल उबालने के लिए रख दिए और सब्जी पक गई कि चेक करना बाकी है? पक गई होगी, पक गई है ओके। तो चलो मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ अब, चलिए और तुम दाल तड़का लगा लो। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और आधी हो गई आधी बाकी है, और यहाँ पे दाल भी उबल गई है तो दाल का तड़का लगाना है, तो किंजल फ्री है तो दाल का तड़का लगा लेंगे, और बाद में पापड़ फ्राई करना है, और मेरे लिए मेरे जीजा जाने वाले मठा लेने के लिए, वो भी आज हम खाने वाले हैं ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी है ना तो अच्छा लगता है ठंडा खाना कुछ भी। तो चले मेरे रोटली शुरू है तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। क्या बात है, साड़ी भी निकल गई, साड़ी भी उसकी निकल गई डांस करते करते, तो चलो रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ बन गया है, और यहाँ पे तेल भी आ गया है, तो पापड़ लेने के लिए गई थी, पापड़ लेकर आ गई है, पापड़ भी फ्राई करना शुरू कर दिया है, चलो चलो मैं फ्राई कर लेती हूँ ऐसे है यस। तो चलिए और जीजा को बोलना है मठे लेकर आ जाए, बाद में खाने के लिए बैठना है वरना तो भूल जाएंगे, याद दिलाना पड़ता है वरना, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा काम होता है, भूल जाते ये तो काम तो क्या बात है नहीं काम की। यहाँ पे मस्त किंजल जो पापड़ फ्राई करना शुरू कर दिया, सब लोग बैठ गए मट्ठा के साथ, सब लोग खा रहे हैं, हमारे आरोही मैडम भी ऐसा खा रहे, चाट चाट का खा रहे हैं। निजा कैसा लगा मट्ठा? अरे तुम बोलो तुम्हें क्या? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आपको पूछना चाहे मुझे मट्ठा कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने प्लेट में मैंने मट्ठा ले लिया है, और मैंने खाया भी लिया एक चम्मच, मैंगो वाला है, बहुत अच्छा है। किंजल पापड़ भी बना रहे है, यहाँ पे रूई भी बैठ गई है, खाने सब लोग खा लेते हैं और दोपहर के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। दोपहर के 4 बज गए हैं और रूई बोल रहे कि मुझे मुमरा की भेड़ खानी है, तो यहाँ पे मुमरा की मैंने थैली ले ली है, और किंजल और सब लोग पीछे के रूम में थोड़ा बहुत काम है ना तो वहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि राजकोट में एग्जीबिशन होने वाला है और वहाँ पे हम सब लोग किंजल में और सब लोग जाने वाले हैं, मुमरा बका देती हूँ उसके बाद भेड़ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मुमरा बका कर रेडी कर लिया है और थोड़ा मुमरा बनाया है कि बच्चों को खाना था ना इसलिए, और यहाँ पे उसके लिए मैंने भेड़ भी रेडी कर ली है, तो दोनों बहना बैठ गए साथ में भेड़ खा रही है। रोही भेड़ अच्छी बनी बेटा, अच्छी बनी ना, क्यों लगो आरो पानी भेड़ के भी लगी भेड़ मच्छा अरे वाह। तो चलिए फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ, बच्चों को खाना था तो मैंने उसको भेड़ बनाकर दे दी है, तो किंजल पीछे के रूम में कुछ ना कुछ काम कर रही है, तो चलो मैं फ्री हूँ तो मैं जा रही हूँ उसकी हेल्प कराने के लिए। हम वहाँ जो काम था ना कासरी वगैरह भर रहे थे वो काम फिनिश हो गया है, और धूप ढल गई है और बादल छा गए हैं इस तरह से, और दोनों बहन ने मिलकर ममरा की भेड़ खाई नहीं तो पूरे ओसरी में ममरा कर दिया है, तो झाड़ू निकाल रही हूँ और किंजल थोड़ा बहुत काम है वो कर रही है। तो चले और आगे सोचेंगे आज खाने में क्या बनाने वाले, और आज सब लोग यात्रा में गए हैं ना तो उसके आने की खुशी में मंदिर पे सत्संग रखा है, 8 बजे जाना है तो आज फटाफट खाना बनाना है, तो चलो फटाफट मैं अपना झाड़ू निकाले बाद हम किंजल से डिस्कस करेंगे आज खाने में क्या बनाने वाले हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते आगे आगे। फ्रेंड फाइनली हम किचन में आ गए हैं, वो खाना बनाना शुरू ऑलरेडी हमने कर दिया है, और यहाँ पे मैंने सेव टमाटर की सब्जी बनाकर रेडी कर ली है, यहाँ पे मैंने काशी भी फ्राई कर ली है, और आज भाखरी और बाजरे का रोटला और रोटली तीनों बनने वाले हैं, और यहाँ पे मैं श्रीखंड खाया, अभी कोठी आइसक्रीम खा रहे हैं अभी, यस देखो दूध गर्म बन रहा है, बल्ले लगा है अभी मस्त, पैंस का दूध है, पैंस का दूध क्या है थोड़ा मलाई जैसा बने, यस खट्टा थोड़ा ठीक बने थोड़ा। तो चलिए मैंने सब्जी बना ली ऑलरेडी, तो मैं रोटी और भाखरी बनाना शुरू कर देती हूँ, और रोटला तो किंजल बनाती है तो हमें कोई टेंशन है नहीं, तो चलिए तुम बनाओ आज चलो देखती हूँ। तो यहाँ पे अभी किंजल बाजा का रोटला बना रही है क्योंकि मेरे से बन नहीं रहा था, तो मैंने एक ही रोटला मेरे लिए बनाया है खुद के लिए, उससे ससुरा के लिए रोटला बन रहा है यहाँ पे, है ना कि नहीं? हाँ, मेरे ससुर के लिए। और देखिए उबारे तो क्या भेगा क्या भेगा दो खाए खन खोदोड़ी हो जाओ जो क्योंकि आज मंदिर पे सत्संग है ना, तो सबको फटाफट तो खाना बनाएंगे, जब लिखाएंगे उसके बाद रेडी होके जाएंगे सत्संग में। यस बाद में आके क्या खाने वाले हैं? हमारे आइसक्रीम फेवरेट, सबका फेवरेट, वो भी खाने वाले 9:30 आई थिंक 10 बजे, तो चलिए अब खाने के लिए बैठ जाते हैं। यस और यहाँ पे किंजल ने बड़ा सा रोटला बनाकर रेडी कर लिया है, तो चलिए सबका खाना बन गया ऑलरेडी, तो हम खाने के लिए बैठ जाते हैं। यस सर
थोड़े बहुत तो ऐसे रेडी हो गए तो मंदिर पे जा रहे हैं, सत्संग है तो, और पॉसिबल होगा थोड़ा बहुत शूट करूंगी तो चलिए। लोग बैठ गए, सिम खा रहे घर पे, कैसा लगा जीजा? बड़े मजेदार है ना, क्या बात है। खबर नहीं कौन केटलो खाई पी है, क्या बता पलोठी वाले ने। हवे आमा मंदिर खाई ने वासे। तो चलिए सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे, मैं भी साथ में जाती हूँ, मस्त ठंडा खा लेते। और वीडियो का मैं अगेन करती हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।